Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Satyo, I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Channel. UV Educational Center aapke liye hamesha se bahut interesting videos lekar aate rahe hain. Aur aaj jo video main leke aa rahi hoon, ye hai part 3, the Rime of the Ancient Mariner ka. Aur inke pehle part 1 aur part 2 pe हम डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट वन में एंशिएंट मैरिनर एक बूढ़ा मला अपनी स्टोरी एक वेडिंग गेस्ट को सुना रहा है और पार्ट टू में वो सिचुएशन बताता है कि किस तरह वो एक तूफान में फंस जाते हैं और एक अल्बर्ट रॉस से उनकी मुलाकात होती है. तूफान धीरे धीरे कम होने लगता है लेकिन फिर वो अपनी क्रॉसबो से अल्बर्ट रॉस को शूट कर देता है. जब वो उसको मार देता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उन पे एकदम से मौसम की तब्दीली फिर होती है. वो जो क्रू मेंबर्स होते हैं पहले उसका साथ देते हैं, पहले उसको धुतकारते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों उसको मारा, और लेटर ऑन वो उसका साथ देने लगते हैं क्योंकि माहौल थोड़ा चेंज हो जाता है, चूँकि सर्दी से वो थक चुके होते हैं. अब चूँकि माहौल चेंज होता है, बाहर आती है, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से उन पर गर्मी का मौसम आ जाता है. जब ये मौसम आता है तो इस सिचुएशन को वो इस पार्ट 3 में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बता रहे हैं. ये T.Coleridge की पोइम है और ये इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजली इसकी टेक्स्चुअल लाइन्स एग्जाम्स में आ जाती हैं और इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं. और इसमें वो हमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स से भी मिलवाता है. इस पार्ट में हम सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट पार्ट 3. देयर पास्ड अ वेरी टाइम, ईच थ्रोट वाज पैच्ड एंड ग्लेज्ड ईच आई. अ वेरी टाइम हाउ ग्लेज्ड ईच वेरी आई. अब देयर पास्ट वहाँ गुजरा, ए वेरी टाइम एक बहुत ही पेनफुल वक्त, एक बहुत ही दर्दनाक वक्त वहाँ गुजरा. कहाँ, ये समुंदर में फंसे पड़े हैं, मूवमेंट नहीं है, हवा नहीं है, गर्मी की शिद्दत है और इसकी वो बयान कर रहा है इसकी सिचुएशन. ईच थ्रोट हर एक का जो गला था, अब जितने भी लोग वहाँ पर थे वो जाहिर है वहाँ पर गर्मी की वजह से परेशान थे और गर्मी में फंसे हुए थे और उनके जो गले थे वास प्रेच्ड सूख चुके थे, तर नहीं थे. एंड ग्लेज्ड ईच आई और उनकी आंखें जो थी वो पत्थरा चुकी थी, उनकी आंखें विदाउट मूवमेंट और उनके लिप्स विदाउट मूवमेंट, ऐसे बस जिंदा लाशें बने हुए थे वो. अ वेरी टाइम एक बहुत ही पेनफुल वक्त, अ वेरी टाइम यहाँ वो शिद्दत बता रहा है कि किस कदर मुश्किल वक्त वहाँ ये गुजार रहे थे. इनका गुजारा हुआ टाइम, इनकी सिचुएशन शायर बहुत ही जो है विजुअल तरीके से हमारे सामने लेकर आता है कि हमें फील होता है कि वी आर द पार्ट ऑफ दैट टाइम. मे बी वी वुड हैव वी सीन दिस थिंग्स विद आवर ऑन आईज. हाउ ग्लेज्ड ईच वेरी आई, कैसे वो पथराई हुई दर्दनाक आंखें कैसी थी. वन लुकिंग वेस्टवर्ड, जब निगाह पड़ी उस वेस्टवर्ड की तरफ. आई बीहेल्ड अ समथिंग इन द स्काई. बिहाल्ड उसका मतलब है कि उसने कुछ महसूस किया, उसने कुछ देखा स्काई में. जब वो वेस्टवर्ड की तरफ देखने लगा ये एंशिएंट मैरिनर, तो इसने देखा कि वहाँ आसमान पर कुछ है. समथिंग इज देयर इन द स्काई. एट फर्स्ट इट सेम्ड अ लिटिल स्पैक. शुरू में तो उसे लगा कि जैसे कोई कोई धब्बादार है, कोई कुछ छोटा सा निशान है. ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. एंड देन इट सीम्ड अ मिस्ट, और फिर उसे वो एक धुंध सी लगी. इट मूव्ड एंड मूव्ड एंड टुक एट लास्ट अ सर्टेन शेप. आई विश्ड ये आगे बढ़ी. इट मूव्ड एंड मूव्ड आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ी एंड लो एंड टुक और इसने ले लिया एट लास्ट आखिरकार अ सर्टेन शेप, एक मुकम्मल शक्ल अख्तियार कर ली. आई विश्ड विस्ट उसकी समझ में जो आया, जो कुछ उसने अंदाज़ा लगाया अपने अकल के मुताबिक. अ स्पैक अ मिस्ट अ शेप आई विस्ट, एक धब्बा एक धुंध एक शक्ल मैं समझ गया. एंड स्टिल इट नियर्ड एंड नियर्ड, और यहाँ तक कि वो और करीब आ रही थी और करीब
आ गई, एज इफ इट डॉज्ड अवेयर स्प्रिट। अब यहाँ पर डॉज्ड है कि जैसे चकमा सा नहीं दे देते, जैसे एक झटका सा आता है। अब कह रहा है कि पानी पर ये किस किस्म का एक झटका सा मुझे महसूस हुआ है, एक एक ग्लैम्प सी आई है, एक झलक सी आई है। इट फ्लैंग्स एंड टैग्ड एंड वर्ड प्लंक्ड, वो फिर डूब गई। टैग्ड, ये ले लिया। वर्ड, रुख बदल गई। एक झटके से वो आया, जो भी इसके सामने वो एक स्पैक था, उसने एक शेव लिया और फिर वो यक लख्त जो है वो इसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। विथ थ्रोट्स अनस्लैक्ड, अब जो गले थे वो तर नहीं थे, स्लैक पानी से तर, और अनस्लैक्ड जो पानी से तर नहीं है, सूखे पड़े हैं इनके गले। विथ ब्लैक लिप्स बेक्ड, और इनके लिप्स काले पड़ चुके हैं, ऐसे जैसे भुन गए, क्योंकि शिद्दत की वहाँ पर गर्मी है, सूरज की शिद्दत से इनके लिप्स ऐसे फील हो रहे हैं जैसे भुन चुके। वी कुड नॉट लाफ नॉर वेल, यहाँ तो ये हंस सकते थे और वेल ना ही ये क्राई कर सकते थे, इतनी उनमें परेशानी का सिस्टम चल रहा था कि उनके लिप्स मूव ही नहीं कर पा रहे थे। थ्रो अट ड्रॉट, अगरचा वहाँ पर मुकम्मल खुश्क था, मुकम्मल खुश्की थी, कहाँ, इनके मुंह में, इनके गले में, इनके लिप्स पे, ऑल डम्स वो स्टूड, तमाम वहाँ पर गुंगे बने खड़े रहे। आई बिट माई आर्म, मैंने अपने आम को काटा, एंड सक्ड द ब्लड, और अपने खून को चूसा, यानी इट्स मीन कि इसने अपने राइट या लेफ्ट आर्म के आम को अपने मुंह की तरफ किया और उसे काटा, ताकि इसका मुंह थोड़ा तर हो, और अपने ही खून से इसने अपना मुंह तर करके क्या क्राइड किया, एंड क्राइड असेल असेल, और फिर इसने चिल्ला कर कहा, एक बहरी जहाज़ एक बहरी जहाज़। चूँकि ये वहाँ काफ़ी दिनों से फंसे हुए थे, हमने लास्ट पार्ट में इसका डिस्कस किया था कि वहाँ ये एक एक पेंटिंग की सूरत अख्तियार कर गए थे, एक ऐसी शक्ल ले गए थे कि विदाउट मोशन विदाउट मूवमेंट दे वर स्टैंडिंग हियर इन दिस इन द सी एंड फीलिंग दैट दे आर नॉट मूविंग। अब चूँकि उन्हें थोड़ी सी कुछ नज़र आई है कोई चीज़, तो वो फौरन पुकार के अपने साथियों को कहा कि एक बहरी जहाज़ असेल विद थ्रोट्स अनस्लेक विद ब्लैक लिप्स बेक। ये दोबारा उसने वही लाइन दोहराई है जो हमने पिछले स्टैंसर्स में पढ़ी थी कि उनके गले तर नहीं हैं, लिप्स उनके काले हो चुके हैं, ऐसे जैसे धूप की शिद्दत से भुन गए। अगेप दे हर्ड मिम कॉल, अब उसके जो फ्रेंड्स थे अगेप हक्का बक्का रह गए। दे हर्ड मी कॉल, उन्होंने मुझे सुना कि मैंने पुकारा, और वो तो हक्का बक्का रह गए कि अरे ये कैसे बोल बड़ा। इवन वो तो बोल नहीं सकते थे, लेकिन इसने अपना दिमाग लड़ाया, उन्हें ही ब्लड को सक किया, और फिर इसने पुकार के उन्हें बताया कि एक सेल आ चुका है यहाँ पर। गर मिस्यू दे फॉर जॉय डिड ग्रेन, अब यहाँ पर ये जो है ग्रामरसी, ग्रामरसी का मतलब है बहुत शुक्रिया, ग्रामरसी बहुत शुक्रिया। दे फॉर जॉय डिड ग्रेन, अब ग्रेन मुस्कुराहट आ गई, खुशी के साथ उनके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आई, उन्होंने कहा शुक्रिया बहुत शुक्रिया। एंड ऑल एट वंस देयर ब्रीथ ड्रू इन, और उनकी जो जान में जान आ गई, कैसे, जू ही उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी मदद के लिए आ गया है, उनकी जान में जान ऐसे आई कि उन्हें लगा जैसे ड्रू ब्रीथ इन कि उनकी सांस आ गई हो। एज दे वर ड्रिंकिंग ऑल, कि जैसे ही सबने पानी पी लिया हो, ड्रिंकिंग ऑल जैसे ही, उन तो प्यास की तलब थी, तो उन्हें महसूस हुआ कि ये खुशी ऐसे लग रही है जैसे उनके गले तर हो गए, उन्होंने पानी पी लिया। सी सी देखो देखो, आई क्राइड मैं चिल्लाया, शी रैक्स नो मोर, ये क्या, ये चिल्लाया, और शी टैक्स नो मोर, टैक्स होता है सिमत रास्ता, अब वो रास्ते में नहीं थी। इधर टू वर्क अस वेल, अब उसने क्या किया, यहाँ तक, इधर यहाँ तक वेल जिगजैग हो गई, वेल अस इधर टू वर्क अस वेल, अब उसने हमें एक जिगजैग में डाल दिया, एक जिसे कहते हैं ना कि परेशानी में डाल दिया, एक शशोपंच में डाल दिया, कि वो बोट आ तो रही थी, एक झटके में ही वो इधर से उधर हो गई, विदाउट अ ब्रीज विदाउट अ टाइड, लेकिन अब ये भी इनके लिए परेशानी थी कि बोट आ कैसे रही है,
उसने एक झलक दिखाई इन्हें, लेकिन कैसे वो हवा के बगैर चल रही थी, कैसे वो लहरों के बगैर चल रही थी। शी स्टिट्स विद अपराइट कील। अब वो जो था कि सीधी ही इनकी तरफ आ रही थी। उसको ये परेशानी लग रही है कि हमारी बोट तो रुकी पड़ी है, अब ये बोट कैसे अपराइट हो रही है, ये कैसे इनकी तरफ सीधी चलती आ रही है। द वेस्टर्न वेव्स, अब ये जो उनकी वेस्टर्न लहरें थी, वॉज ऑल अ फ्लेम, वो तो ऐसी थी जैसे आग बन चुकी हैं। जाहिर है वो लहरें गर्म थी। अभी उसने पीछे बताया था कि वो विचेस को ऑयल की तरह लग रहा था सारा सी का वाटर, तो इट्स मीन वो बॉयल हो रहा था इतनी शदीद गर्मी से। द डे वॉज वेल ने डन, अब तो ये जो रात और दिन जो था वो ख़त्म होने वाला था, नी यहाँ तक, डन इट्स मीन गोइंग टू फिनिश, यानी चूँकि रात का अंधेरा फैल रहा है, इन्हें कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, ये शशोपंज में है कि आखिर ये कौन आ रहा है, और इसी परेशानी में है कि ये इनकी बोट चल भी कैसी रही है। ये आपस में एक दूसरे से आंखों आंखों में बातें कर रहे हैं, इवन दे कैंट स्पीक। ऑलमोस्ट अपॉन द वेस्टर्न वेव, अब तकरीबन ये जो मगरबी लहरें थी इनके ऊपर, रेस्टेड द बोट ब्राइट सन, अब ये जो इनकी बोट थी वो सन के, रोशन सन के नीचे रेस्ट हो रही थी, रेस्टेड थी, आराम कर रही थी जनाब। वन दैट स्ट्रेंज शेप ड्रॉफ स्टनली, अब ये जो अजीबोगरीब किस्म की शक्ल थी इनके सामने से गुजरी। बिटवीक्स अस एंड द सन, अब वो कहाँ थी, इनके दरमियान थी, कौन कौन था, सूरज और इनकी बोट के दरमियान एक धब्बा, एक स्पैक आया और उस स्पैक ने एक बोट की शक्ल ले ली। अब ये परेशान है कि ये बोट चल के यहाँ तक आ कैसे गई, या ये आसमान से नीचे उतरी, ये सुपरनेचुरल बोट है ना। अब ये सुपरनेचुरल बोट कुछ इस तरह से है कि इसमें डेथ और लाइफ इन डेथ दो पर्सन्स हैं, वो उनसे हमारी मुलाकात करवाने वाला है, लेकिन अभी ये उनको पता नहीं है कि इसमें है क्या। अब ये सोच रहे हैं कि शायद हमारी कोई मदद हुई है बोट की तरफ से, कोई और बोट आ गई, जो बोट में जो सेल में कुछ पैसेंजर्स हैं जो इनकी हेल्प कर देंगे। एंड स्ट्रेट द सन वॉज फ्लिक्ड विद बैट्स, अब ऐसा लग रहा था कि ये जो सूरज है, सूरज की जो फ्लिक्ड है, जो सूरज की लहरें हैं, जो सूरज की लकीरें हैं, जो सूरज की रोशनी है विद बार्स के, वो हमें मिल रही है सलाहों के पीछे से। यानी अब वो चूंकि वो खड़ी हो गई ना, बोट आ गई ना इनके दरमियान, तो बोट तो चूंकि एक स्केल्टन है, बोट कंप्लीट बोट नहीं है, तो वो एक सलाहों की शेप उसने ले ली। अब सूरज की रोशनी इनको ऐसे फील हो रही है जैसे वो बार्स के सामने से आ रही है, यानी वो अपने आप को प्रिजनर महसूस कर रहे हैं, और उस बोट को एक सलाखदार बोट है, यानी उसकी सिर्फ सलाहें नज़र आ रही हैं, ढांचा है उसका, ये फील कर रहे हैं कि वॉज फ्लिक्ड विद बार्स, कि उसकी जो सलाहें हैं, उसकी लकीरें हैं, वो सूरज की रोशनी से ये इन्हें महसूस हो रही हैं, जो डूबता हुआ सूरज है। हेवन्स मदर सेंट अस ग्रेस, अब ये थिंक कर रहे हैं कि भाई इनकी जो है हज़रत मरियम, उनकी मदर, उन्होंने उन पर कोई मेहरबानी कर दी है। एज इफ थ्रो आई डॉन्जन्स ग्रेट ही प्रीयर्ड, अब डॉन्जन ग्रेट में बताना चाह रहा है कि तहखाने में, डॉन्जन होता है गहरा और ग्रेट इट्स मीन कैदखाना। अब उन्होंने महसूस किया चूंकि वो शिप इनके सेंटर में आ गया है, सूरज के इनके सेंटर में, और उसमें चूंकि वो बस ढांचा ही है शिप का, तो वो महसूस हो रहा है जैसे सलाहें हैं, और ये अपने आप को एक गहरे कैदखाने में महसूस कर रहे हैं। पीरियड होता है देखना, ये उसमें से देख रहे हैं, उन सलाखों में से देख रहे हैं, जैसे कोई कैदी सलाखों में से दूसरी तरफ झांकता है, तो जो आज़ाद होते हैं उनको देखा जाता है कि भई ये आज़ाद है और ये कैद में है। अब इस तरह से इन्होंने फील किया है, ही पीरियड उसने देखा, पीरियड यानी हम असर को देखना, पीरियड हम असर जो इनके साथी थे उन्होंने देखा। विद बोर्ड एंड बर्निंग फेस, उनके जो फेस थे वो ऐसे थे जैसे बर्न हो रहे हैं, रोशन तो है, कुशादा तो है, लेकिन जैसे गर्मी की शिद्दत से बर्निंग है, जल्स रहे हैं, शाइन हो रहे हैं। अलास थॉट आई एंड माय हार्ट बीट लाउड, ओह अब उसने सोचा और इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाउ फास्ट शी नियर्स एंड नियर्स, अब कितनी तेजी से वो इनके करीब आ रही थी और करीब आ रही थी, कौन, शी बोट।
are those her sails that glance in sun? Kya ye wahi hai mehri jahaz jisko inhone glance us pe nazar dali thi suraj ki roshni mein? Like restless gossamers. Gossamers, it's mean kaidi. Ab ye restless apne aap ko samajh rahe the, gossamers hain ki hum bechain kaidi hain. Kahan? Us ship ke andar. Are those her ribs through which the sun? Ye uske ribs the, uski jo skeleton tha jo humne sun ke zariye dekha. Did peer ki hamare hum asaron ne bhi dekha. As through a great. Ab great kya hame kaidhane mein hai? Great abhi humne piche bara kaidhane mein hai. And is that woman all her crew? Kya koi lady hai jiske saath uska apna crew hai, uske apne saathi hain? Is that a death? Kya ye maut hai? And are there two? Kya ye ek hai ki do hai? Abhi questions raise ho rahe hain unke mind mein. Is death that woman's mate? Kya is aurat ke saath maut hai? Ki ya aurat bazate khud maut hai? Ab ye aurat ka ek jo hai feature hame pesh karne wala hai ki kaun us kashti mein aaya hai, kaun us badi ship aur sail mein aaya hai inke samne, jiske ye guess kar raha hai ki ye kaun hai. ये अकेली है, इसके साथ कोई और भी है. हर लिप्स वर रेड. अब ये उसका पूरा फीचर हमें दे रहा है कि उसके तो सुर्ख होंठ थे. हर लुक्स वर फ्री. उसकी जो लुक्स थे, उसका जो फेस था वो फ्री था, किसी किस्म की परेशानी के बगैर था. हर लॉक्स वर येलो एज गोल्ड. अब ये लॉक्स हैं, वो जो बेलिंडा के लॉक्स थे, उसकी जो लटे थी ऐसी गोल्डन थी, ऐसी सुनहरी थी जैसे कि सोना हो. हर स्किन वॉज एज वाइट एज लेप्रोसी. अब उसकी स्किन इतनी सफ़ेद थी जैसे कोई कोरी का कोरी, जैसे कोई कोर के मर्ज के साथ, और या कोई जिज़ाम का मर्ज होता है जिसके साथ उसकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट फील हो रही थी. यानी वो इतनी सफ़ेद लग रही थी कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाइट ही नहीं लग रही थी. द नाइट मेयर लाइफ इन डेथ वॉज शी. अब ये जो थी, ये नाइट मेयर थी. कौन सी? डेथ की. डेथ इन लाइफ इन डेथ की ये नाइट मेयर थी. हु थिक्स मैंस ब्लड विद कोल्ड. अब इसको देख के ही तो सबके जो खून थे वो जमने लगे थे, यानी खौफ से ही जमने लगे थे. उसके लुक्स ऐसे थे कि उनके ब्लड खौफ से जमने लगे. द नेक्ड हॉक. ये जो हल्क है, ये वो है जैसे वो एक मूवी है हल्क की, वो देव कदामत आदमी, देव कदामत जिसामत. नेक्ड यानी उसने कुछ नहीं पहना हुआ है और भारी भरकम है, और एक देव कदामत शख्सियत है उसमें. अलोंग साइड केम. अब ये उनके करीब आए. एंड द ट्विन वर कास्टिंग डाई. कास्टिंग डाइस. अब ये डाइस जो था वो फेंक रहे थे. डाइस वो लूडो के दाने के जैसा कुछ है, जिसको ये एक मरतबा ये लेडी फेंक रही है, और एक दफ़ा एक मरतबा वो नेक्ड हल्क जो है वो फेंक रहा है. ये बोथ जो है वो प्लेइंग कर रहे हैं डाइस के साथ. द गेम इज डन. आई हैव वन. आई हैव वन. कॉट शी एंड व्हिसल्ड ट्वाइस. अब ये जो जिसकी उसने पूरी डिपिक्शन दी है कि वो गोल्डन जो उसके हेयर्स थे, इतनी सफ़ेद वो लेडी थी, उसका रेड लिप्स थे, उसको देख के खून जमने लगता था, यानी शिद्दत और खौफ से. उसने कहा, जनाब मैं गेम जीत गई, ख़त्म गेम, मैंने जीत लिया, मैं जीत चुकी. किससे? उस नेक्ड हॉल्क से, उस दियो कदामत जिसामत वाले शख्स से वो जीत गई. द सन्स रिम्स डिप्स द स्टार रश आउट. अब ये जो सूरज था वो डूब गया और सितारे निकल आए. डिप्स मैंने हो गया, उन्होंने डुबकी लगा दी. एंड रशेस आउट, नमूदार हो गए. कौन? स्टार्स. एट वन स्ट्राइड केम कम्स द डार्क. अब ये जो कदम बढ़ाया, किसने? स्ट्राइड कदम बढ़ाया. डार्क ने, अंधेरे ने कदम बढ़ाया. विद फार हर्ड विस्पर्स. अब दूर दूर से उन्हें विस्पर्स, सरगोशियों की आवाज़ें आ रही थी. उन्होंने सुनी, विस्पर्स सुनी. ओवर द सी, समुंदर में से. ऑफ शोर द स्पेक्टर बार्क. अब स्पेक्टर बार्क, ऐसे लग रहा था जैसे भूत बोल रहे हैं. और जब अंधेरा हो जाता है तो स्पेक्टर
ये जो भूतिया आवाजें आती हैं इस किस्म की आवाजें आ रही हैं, उन्होंने वो भी महसूस की हैं। वी लिसन्ड एंड लुक्ड, वी लिसन्ड हमने सुना, एंड लुक्ड साइडवेज अप हमने सुना और हमने देखा अपने इर्द गिर्द की तरफ साइडवेज में कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। फियर एट माई हार्ट एज एट अ कप माई लाइफ ब्लड सीम्स टू सिप, अब उसे ऐसे महसूस हुआ कि इसकी इसका जो दिल है उसमें जो समझ लें, उसने उसको मिसाल दिया एज एट अ कप के जैसे एक कप हो, माई लाइफ ब्लड सीम्स टू सिप कि मेरी जिंदगी का खून उस कप में है और उसका कोई घूंट भरने वाला है, यानी कोई इसका जो है खून चूसने वाला है, अब इसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। फिर एट माई हार्ट मेरे दिल में खौफ भर गया, द स्टार्स वर डिम सितारे जो थे मध्यम हो गए, एंड थिक द नाइट और रात मज़ीद गहरी हो गई, द स्टेयर्स मैनस फेस बाय हिज लैम्प ग्लेम्ड वाइट, ये जो स्टेयर्स मैनस थे जहाज वन चलाने वाले थे अब ग्लेम्ड उन पे चमक हो गई, उनके फेसिस पे चमक आ गई, किसकी उनके फेसिस पे चमक आ गई सफेदी की, लैम्प होता है कि उनको 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 नज़र आने लगा, उनको ढीला सा फेस हो गया उनका, अचानक से उनको महसूस हुआ कि ये क्या है, हमारी जो सिचुएशन है वो खौफ से चेंज हो रही है, उनकी चमक जो है वो ग्लेम्ड हो रही है, उनकी ग्लेम्ड जो है वो लैम्प हो रही है, और लैम्प कैसी वाइट वाली, यानी जिसे कहते हैं ना कि रंग चेंज हो जाना, रंग उड़ जाना, उनके रंग उड़ रहे हैं, किन के जो जहाज चलाने वाले हैं स्टीयर्समैन के। फ्रॉम द सेल द ड्यू डिड ट्रिप, अब ये जो सेल थी वहां से उनको ये महसूस हुआ कि कुछ ऊपर आया है, कुछ उनके पास आया है, टिल क्लाइम्ड अबव द ईस्टर्न बार, और उसने चढ़ना शुरू कर दिया है, क्लाइम्ड जो उनकी वो शिप में से उसको महसूस हुआ कि कुछ धमक कर आया है और उसने क्लाइम्ड करना शुरू कर दिया, जैसे क्लाइंब होता है ना, क्लाइम्ड अबव द ईस्टर्न बार, उस मगरबी सलाख पर चढ़ना शुरू कर दिया, द हॉर्ड मून अब ये जो उनका सन था जो चांद था विद वन ब्राइट स्टार, और एक ही रोशन सितारा था विद इन द नीदर टिप, और कुछ नहीं वहाँ पर था, उन्हें सिर्फ अंधेरे में बस वो एक चांद ही दिखाई दे रहा था, और चांद के साथ एक सितारा दिखाई दे रहा था, और कुछ महसूस नहीं हो रहा था, अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, ये कौन आया है, ये क्या है इस कश्ती में, ये लेडी क्या है, ये जो है वो नेक्ड हल्क वो क्या है, वो आपस में डाइस क्यों खेल रहे हैं, ये सारी उनकी सिचुएशन चल रही है। वन आफ्टर वन एक के बाद एक बाय द स्टार डॉज्ड मून, अब ये जो डॉज्ड है उसका मतलब है फॉलो करना, एक एक करके सितारों ने चांद का पीछा किया, टू क्विक फॉर ग्रोन और साय बड़ी जल्दी के साथ, अब उन्हें आवाज़ें आ रही हैं, अभी सबने साथियों की आवाज़ें महसूस होंगी, कराहें उनकी कराहना उनकी आहें भरना, ग्रोन और साय उनकी आहें भरना उनका कराहना, ईच टर्न्ड हिज फेस विद अ गैस्टली पैंग, अब ईच जो है ये इसके साथी हैं और उन्होंने अपना मुंह इसके साथ इसकी तरफ मोड़ा है, एक गैस्टली एक भयानक गैस्टली पैंग दर्द के साथ इसके साथियों ने गैस्टली पैंग पेन के साथ बड़ी दर्दनाक पेन के साथ अपना मुंह इस एंशियंट मैरिनर की तरफ मोड़ा है, एंड कर्स्ड मी विद हिज आई, और उन्होंने उसे अपनी आंखों से बददुआएं देनी शुरू कर दी कि ये सारी मुसीबत तुम्हारी वजह से ही आई है, यानी एंशियंट मैरिनर ये महसूस कर रहे हैं कि वो बोल नहीं पा रहे हैं उसके साथ ही, लेकिन वो आंखों से उसे बता रही हैं कि तुम ही हमारी इस गैस्टली पैंग का जरिया हो, तुम्हारी वजह से ही हुआ है ये सब कुछ, 4 times 50 लिविंग मैन, 4 multiplied by 50 ऑलमोस्ट 200 मैन जो जिंदा थे, एंड आई हियर्ड नॉर साय नॉर ग्रॉन, फिर मैंने सुना कोई आँख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई करहाना नहीं, विद हैवी थंब एंड लाइफलेस लंप, अब उसने क्या सुना है कि उनका हैवी थंप है, वो अचानक से जिसे कहते हैं ना कि थंप किसी को डंडे से मारना,
और लाइफलेस लंप अब उनकी जो जिंदगी थी वो एकदम से ख़त्म हो गई। अब इसके साथ ही जो है वो एक एक करके मरने लगे हैं, वो ढीले पड़ने लगे हैं। लंप होता है ढीला पड़ जाना, लाइफलेस लंप यानी वो खड़े थे तो ढीले होके नीचे गिर गए। एंड हैवी धैम्प, और जैसे किसी ने उनको मारा डंडा ठक, और वो लाइफलेस लंप, वो बिल्कुल बेजान होके ढीले पड़ गए, नीचे गिर गए। दे ड्रॉप्ड डाउन वन बाय वन, एक एक करके वो गिरने लगे। अब यहाँ पे हुआ ये है कि वो जो लेडी आई थी उसके साथ वो नेक्ड हल्क आया था, उन दोनों ने डाइस खेला। डाइस में ये था कि वो जो नेक्ड हल्क था वो सबकी जिंदगियां जीत गया, उसने सबको मौत दे दी क्योंकि उसका नाम डेथ था। अब इस लेडी का नाम था लाइफ एंड डेथ। अब ये जीत गई एंशिएंट मैरिनर को, तो एंशिएंट मैरिनर को अब हमेशा जिंदा रहना है और उसे अपनी स्टोरी नरेट करनी है बाकी सबको, और उन्हें बताना है कि अगर हम कुछ अनहोली करेंगे, अगर हम कुछ गैर अखलाकी करेंगे, अगर हम कुछ अपने रिलीजन से इख्तलाफ करेंगे तो हमें उसकी पनिश होगी। अब यहाँ वो बाकी सबकी चूँकि ज़िंदगियाँ जीत गई है, वो जो दूसरी नेक्ड हल्क था वो जीत चुका, अब वो सबकी ज़िंदगी ले रहा है। अब एक एक करके वो ढीले पड़ रहे हैं और वो गिर रहे हैं, उनकी लाशें ज़मीन पर गिर रही हैं। अब अगले स्टेंसेस में ये बता रहा है कि उनकी रूहें कैसे निकल रही हैं। द सोल्स डिड फ्रॉम देयर बॉडीज फ्लाई, उनकी जिस्मों से रूह ने फ्लाई करना शुरू किया, परवाज की। दे फ्लिड, वो उड़े, टू ब्लिस्ट, और वो किसकी तरफ उड़े, या तो रहमत की तरफ या मसाइब की तरफ, यानी जन्नत या जहन्नम की तरफ उन्होंने परवाज शुरू कर दी। एंड एवरी सोल, और हर एक जो रूह थी, इज पास्ड मी बाय, वो मेरे पास से गुजरी, लाइक द विज ऑफ माई क्रॉस बो। अब ये जो विज है, ये साउंड है क्रॉसबो का, क्योंकि जब इसने एल्बर्ट रॉस को मारा था तो यही साउंड था विज, जो इसके तीर कमान में से निकला था। अब वो रूह भी ऐसे ही निकल रही है और इसके कानों में महसूस हो रहा है कि वही विज, वो तीर कमान की आवाज़ अचानक से इसके पास से गुजर रही है और इसको इसका सिन याद करवा रही है कि ये सब कुछ तुम्हारे इस गुनाह की वजह से हुआ है। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स लिसनिंग, और इसको लाइक करने का, आपने हमारी पहली भी वीडियोस लाइक की हैं उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब, वॉच, लाइक आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।